किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद चार तरह से यहां पर जो है अब ये लग रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द ही यहां पर मंजूर हो सकती है। पहला कि यहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये आंदोलन हुआ, तो जंतर मंतर पर पिछले जो 7-8 आंदोलन यहां पर हुए उसमें सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा पेंशन धारकों की हाजिरी अभी यहां पर देखने को मिली, जो कि लगभग 1000 के ऊपर यहां पर थी। दूसरा, यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए 11 से ज्यादा सांसद उपस्थित रहे थे और इन्होंने अपने अभिभाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने का वादा किया। आप हमारे माध्यम से अनेक आयुष है, उसमें जो माध्यम से आप संसद में सवाल उठाएंगे और उन्हीं माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, माननीय पंतप्रधान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये तमाम लोगों का जो सवाल है वो आपको उठाना चाहिए, विरोधी पक्ष के माध्यम से भी दबाव लाने की कोशिश करेंगे। उनके जो भी यहाँ पे हाउसेस है उनको आप भेजिए, ये टी शर्ट दीजिए और विनती कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए, खाली टी शर्ट पहन के संसद में जाइए, बोलिए हमारा संसद में आप आइए। तीसरा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन मांगों के और इस जंतर मंतर के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र के तकरीबन 12 सांसदों ने मिलकर यहां पर जो है एक बैठक बुलाई। इस बैठक में अन्य सभी सांसद भी यहां पर उपस्थित होने वाले थे, लेकिन अभी जो कि यहां पर लोकसभा राज्यसभा का बजट सत्र चल रहा है, कई सांसद उसमें यहां पर जो है व्यस्त होने के कारण अभी जो है यहां पर इस बैठक में 12 सांसद यहां पर आ सके। तो महाराष्ट्र के सांसदों ने ये रणनीति बनाई है कि महाराष्ट्र के सभी सांसद मिलकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास इकट्ठे एक साथ यहां पर जो है आवाज उठाने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाएंगे। चौथा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस जंतर मंतर के आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ ने यहां पर एक बैठक बुलाई है। इसमें कमांडर अशोक रावत जी भी यहां पर जो है शामिल हुए थे और एक मुख्य चीज ये भी नजर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है ये प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में यहां पर जो है काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ न्यूज़पेपरों की कटिंग यहां पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इन आंदोलन को प्रचंड रूप से यहां पर जो है दिखाया गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए एरएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन यहां पर हुए उसे प्रिंट मीडिया ने बखूबी अपने समाचार पत्रों में जगह दी है। वहीं पर बात करें डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को जोरदार तरीके से यहां पर उठाया गया है और 50 न्यूज चैनलों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को कवर किया है। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन धारकों ने न्यूनतम मंथली पेंशन को बढ़ाने के लिए, उसे 7,500 रुपए यहां पर करने के लिए और अपनी अन्य मांगों जिसमें कि मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों के लिए 31 जुलाई 2024 को हजारों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आंदोलन किया। हम चाहते हैं हमारी बची हुई 5-7 साल की जिंदगी हम स्वाभिमान से जिए और हम स्वाभिमान से मरे, ये चाहते हैं हम। हम ये नहीं चाहते कि हमें वृद्धाश्रम में भेजा जाए। हम चाहते हैं हमारा हक का 10,000 रुपए दे दो, हम टी शर्ट में रह लेंगे, टिफिन लगाएंगे, खाएंगे, लेकिन अपने बलबूते पे अपना कमाया हुआ खाएंगे और अपने चार दोस्तों के कंधे पे स्वाभिमान से जाएंगे। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निवेदन पर माननीय श्री धर्मशील माने सांसद कोल्हापुर की अपील पर महाराष्ट्र के विभिन्न पक्षों के सांसदगण ने यहां पर जो है आपस में बैठक की व चर्चा की। एनएसी के तत्वाधान में पिछले 8 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन धारक अखंडित संघर्षवत है और उनकी न्यायोचित मांगों को मंजूर कराने हेतु समाधान के उद्देश्य से रखी गई मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी ने तथ्य व प्रमाणों के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष भी यहां पर रखा। पेंशनरों के मुताबिक रिटायर्ड पेंशनरों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके और उनके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री के भी साथ यहां पर जो है बैठक हुई। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडिया ने ईपीएस 95 के एक दल से यहां पर जो है चर्चा की, जिसमें कि कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत जी भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बहुत जल्द इसके लिए समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आश्वासन नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री भी इसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। माननीय श्रम मंत्री जी ने आंदोलन समाप्त करने का आह्वान किया। इसके जवाब में कमांडर अशोक रावत ने कहा
कि 1 तारीख से आगे का आंदोलन हम स्थगित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द मंजूर की जाएगी। हमने वहां स्पष्टतया कहा है कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है उसका एक एक एमएलए भी निशुल्क के नहीं आने देंगे। और ये कहने के लिए हम मुंह से ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र में आपकी संख्या तकरीबन वोटों की जो हमारे संगठन के आदेश पर चलेगी उसकी संख्या है 1 करोड़ और उनकी सरकारें बनती है 125 करोड़ में। तो इस तरह से इन 4-5 प्रमुख कारणों को देखते हुए लग रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन मांगों को लेकर यदि इसी तरह से दबाव बनाया जाए और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले यहां पर जो है सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, सांसदों और विधायकों का भी यहां पर साथ रहा, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें जल्द मंजूर हो सकती है। समय दिखाई दे रहा है, आपका श्रम समय पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगा। हम सभी जितने भी प्रभावशाली प्रतिभाशाली नेता हैं आपकी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए कृत संकल्पित है। आज ये जो यहाँ से घोषणा हो रही है ये बीजेपी सरकार को भारतीय जनता पार्टी को अंतिम चेतावनी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। महाराष्ट्र के सांसदों की ओर से जो एक बड़ा कदम जिसमें कि 12 से ज्यादा सांसद शामिल होकर प्रधानमंत्री से यहां पर मिलने जा रहे हैं, आपको सांसदों की ओर से उठाया जा रहा है कदम कैसा लग रहा है ये भी जो है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।